हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवलांग ब्रेकडाउन के बारे में। यहाँ पे हम लोग एवलांग ब्रेकडाउन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो एवलांग ब्रेकडाउन की मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दी है, जिससे आप इसको याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग डिटेल में समझें। तो यहाँ पर आप डिफिनेशन को देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक से समझाऊँगा। जैसा कि पहले हम जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिनके वैलेंस सेल में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे सिलिकॉन की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसकी हम बात करें तो 32 होता है। इसका हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 4 14 का इस तरह से होगा, 2 8 4 14 हो गया। इसका हम करेंगे तो 2 8 18 एंड 4 इस तरह से। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लास्ट में वैलेंस सेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जिनके वैलेंस सेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे कोई भी एटम होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो यहाँ पे इसके लास्ट में 4 है, इसके भी लास्ट में 4 है। तो हम यहाँ पे सिलिकॉन को अगर कंसीडर करें तो वो चाहेगा कि हमारे लास्ट में 8 हो। अब ये 8 कैसे लाएगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा किसी और सिलिकॉन से, तो इसके में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है इस तरह से। तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी सिलिकॉन से ले लेगा इस तरह से, और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कोई भी एटम बैलेंस करता है अपने आप को। क्या कर कैसे करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट। तो यहाँ सिलिकॉन के केस में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। अब ये जो सेमी कंडक्टर है, इसको हम सेमी कंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ कंडीशन पर कंडक्टर का काम करता है। तो हमें इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, मतलब कि हमें इसमें ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे, तब इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है हमारे सिलिकॉन, सिलिकॉन हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे एक ट्राईवेलेंट को जोड़ दिया। भाई ये सब क्या है, टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी वाले हैं। हमने ट्राईवेलेंट मान लीजिए एल्युमिनियम को जोड़ दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन में किसको जोड़ दिया, एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबने अपना 4-4 कम्प्लीट कर लिया, लेकिन एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब नहीं कंप्लीट हो पाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक अकेला। तो यहाँ पे जो एक खाली जगह बची उसको हम कहते हैं होल, क्या कहते हैं, होल कहते हैं। जो खाली स्पेस बचता है उसको हम कहते हैं होल। तो एक कंडीशन तो ये है कि हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें सिलिकॉन में, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, तो हमें एक सेमी कंडक्टर मिलेगा जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब जिसमें करंट थोड़ा ईजिली फ्लो होगा इन कंपेरिजन टू दिस, इसमें थोड़ा सा करंट ईजिली फ्लो होगा। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, हम यहाँ पे ट्राईवेलेंट यानी एल्युमिनियम को ऐड कर सकते हैं, और एक और काम कर सकते हैं, हम पेंटावेलेंट फास्फोरस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम फास्फोरस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि फास्फोरस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे, यानी आप देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड बन गए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप पेंटावेलेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ट्राईवेलेंट को मिलाएंगे तो एक जगह खाली रह जाएगी। तो आपने ये जाना कि ट्राईवेलेंट में क्या होता है, हम ट्राईवेलेंट में क्या करते हैं, तो जो 3 को मिलाते हैं, 3 को मिलाते हैं तो हम उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और हम जब पेंटावेलेंट की बात करें तो 5 को मिलाते हैं तो हम उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपको पहले ही से पता होगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया पी टाइप, जिसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं अगर सिलिकॉन में, और एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं हम सिलिकॉन में। तो इस तरह से बनता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होता है, मेजॉरिटी कैरियर होता है होल, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होता है होल, और माइनॉरिटी की बात करें तो होता है इलेक्ट्रॉन, पी टाइप की बात कर रहा हूँ, ये है पी टाइप के लिए। और एन टाइप की अगर बात करें तो एन टाइप में मेजॉरिटी में होता है इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या होता है, ये मेजॉरिटी में होता है इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी में क्या होता है, होल। ये आपको याद होना चाहिए। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो बनता है पी एन जंक्शन। क्या बनता है, पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से बना,
यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है वो है होल, और रेड कलर से जो मैंने शो किया है वो है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी टाइप में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, मतलब कम है, तो हम उसको कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर, और होल ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पे भी देख सकते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल कम है, तो यहाँ पे एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा और होल जो होंगे माइनॉरिटी में होंगे। इस तरह से जैसे ही पी एन जंक्शन बनता है वहाँ पर क्या होता है, कुछ होल एन टाइप में आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आ जाते हैं, तो जो ये रीजन बनता है उसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। जैसे ही पी एन जंक्शन बनता है बीच में डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब डिप्लीशन रीजन का मतलब क्या होता है, तो डिप्लीशन रीजन की हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके एन टाइप की बात करें, तो एन टाइप में समझ लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन। भाई 8 होते हैं सिलिकॉन के पास, अगर दो सिलिकॉन मिले तो 8 होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है जब एन टाइप, तो यानी 9 होते हैं। तो जब 9 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं तो क्या है, एक एक्स्ट्रा है। हाँ, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में 8 होना चाहिए, एक्स्ट्रा है एक, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन कुछ इधर की तरफ चले जाते हैं, और इधर क्या है, 7 7 है। होल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे एन टाइप की बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 7 है ये चाहेगा 8 हो जाए, और ये 9 है तो ये चाहेगा 8 हो जाए, तो इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले जाते हैं, जिससे इधर क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, और इधर जो 7 थे वो भी 8 हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल। यहाँ बीच में जो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। भाई ये तो पॉजिटिव आयन बन गया, जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम पे +1 होता है, कैसे होता है, 2 8, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे रहा है, और यहाँ पे होल एक्सेप्ट कर ले रहा है इस तरह से। तो ये रीजन बनता है, इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, एन टाइप के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसको दे देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो अब 8 हो गया, तो यानी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 7 थे तो 8 अब हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, हम पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, इस तरह से। तो जब हम पी टाइप को नेगेटिव और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो हम उसको कहते हैं रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है कि जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पर करंट जो होती है वो नहीं फ्लो होती। कैसे नहीं फ्लो होती, इसका प्रोसेस हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन तो आप बनता है जानते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव, पॉजिटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ लाता है, और ये नेगेटिव वाला होल्स को इधर की तरफ लाता है। तो जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, होल और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है। तो जब डिप्लीशन रीजन और थिक हो जाएगा तो आप जानते हैं डिप्लीशन रीजन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल बिल्कुल नहीं इधर उधर जा पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, होल यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो करंट नहीं फ्लो होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, इसको आप ध्यान देना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, अगर आप वोल्टेज को क्या कर दें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दें, ये वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो वोल्टेज को जब आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि पी टाइप में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में, और इसमें कुछ होल्स होते हैं एन टाइप में, माइनॉरिटी कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आ जाएगी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे पी टाइप में, और इसमें एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, यानी पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। भाई इधर निगेटिव है, इधर भी इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत हैं, तो ये भी निगेटिव है, तो इससे क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से इसको पुश करेंगे, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जाएगा और इन जो बीच में हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं बीच में, उनको जाके ऐसे कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, वो भी जाके दूसरे को कोलाइड करेगा, दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को, वहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस तरह से ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को कोलाइड करेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है वो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। जब ये बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा तो क्या करेगा, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ये भी निगेटिव इधर की तरफ बढ़ेगा, और ये जो बीच में हमारे जो डिप्लीशन रीजन है उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा,
इस तरह से जाएगा और वहां पे जाके टकराएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे वाले कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, ऐसे लगातार टूटता जाएगा टूटता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। ये एक तरीके से चेन रिएक्शन होगा, मतलब एक वाला दूसरे को, दूसरा वाला, चार होंगे वो चार वाले एक हिसाब से अगर आप देखें, चार इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो चार कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर चार कोवेलेंट बॉन्ड से चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर वो चार को तोड़ेंगे, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगी। जब आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे माइनॉरिटी कैरियर में पी टाइप में, वो जाके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते रहेंगे, ब्रेक करने लगेंगे, लगातार करने लगेंगे, जिससे आपका करंट जो होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। इस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलांग ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन में देख सकते हैं, इफ़ द रिवर्स बायस इज मेड वेरी हाई, अगर आप रिवर्स बायस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे यहाँ पे वो एक्वायर करेंगे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो जंक्शन के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। दीज चार्ज कैरियर आर एक्सेलरेटेड एंड प्रोड्यूस इन द सेम वे, इसी तरह से ये सेम वे में एक्सेलरेट होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, फिर वो अगले कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, ये प्रोसेस जो है कुमुलेटिव है, जिससे रिवर्स करंट फ्लो होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। दिस सिचुएशन इज नोन एन एवलांग ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफिनेशन भी दे दिया ताकि आप क्लियरली समझ जाएँ। अब चलिए इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे मैं रिवर्स बायस की बात कर रहा हूँ, तो मैं रिवर्स बायस ही बनाऊँगा इस तरह से। तो ये हमारा वोल्टेज कह सकते हैं, ये हमारा करंट कह दें, ये वोल्टेज लाइन को शो कर रहा है, ये करंट को। आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को पहले बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, फिर एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसमें जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, उस पर करंट क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज़ हो जाएगा, उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को आप क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको आप VB से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट क्या हो जाती है, सडनली इंक्रीज़ हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवलांग ब्रेकडाउन। कैसे होता है एवलांग ब्रेकडाउन, आपको यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ पर एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर जाता है कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसमें करंट जो होती है वो ह्यूज अमाउंट पे बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक वोल्टेज पे, पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं एवलांग ब्रेकडाउन। यहाँ से आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है PN जंक्शन डायोड के, तो वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है।